ना 2 साल आकिब भाई के साथ था और अभी वकार भाई के साथ मुझे एक मौका मिला, तो जहरी बात है एक आकिब भाई भी लेजेंड थे, वकार भाई भी लेजेंड ही है और इनसे जो कुछ सीखने को मिला इंशाल्लाह जरूर सीखूंगा। जारी बात है कि ये भी जिस तरह मेरा डेथ बॉलिंग करता हूँ रिवर्स, मेरा यॉर्कर रिवर्स हो रहा था, पुराना बॉल है तो वकार भाई का इतना अच्छा रिवर्स, जारी बात है वकार भाई का अच्छा होता था तो जो जिस तरह उनका कंट्रोल के साथ रिवर्स बॉल होता है तो कोशिश करूंगा वो और परफेक्ट करूँ, तो देखते हैं अभी वकार भाई से इंशाल्लाह काम करूंगा, उम्मीद है कि अच्छा कुछ सीखूंगा इनसे। अस्सलाम वालेकुम, आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान आ रहे हैं। अगर आप इस पर काफ़ी ज़्यादा खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। क्यों आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं और आईसीसी क्या करने जा रहा है पाकिस्तान के साथ, बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है, इसी खुशखबरी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली मरतबा मजीद ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो काइंडली चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ घंटे के अलामत को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। कॉमेंट्स में आप लोग अपनी राय भी ज़रूर दे सकते हैं। क्या वर्ल्ड कप, क्या एशिया कप पाकिस्तान में हो सकता है या फिर होना या फिर नहीं, आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो जनाब बात करते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव मानु सुहाने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव मानु सुहाने कल मतलब बुध के दिन पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव पहले इस्लामाबाद और उससे अगले रोज लाहौर में मीटिंग्स करेंगे। उन्हें बांग्लादेश के साथ टी20 सीरीज के इंतजाम पर ब्रीफिंग देने के साथ मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए किए जाने वाले इकदाम से भी आगाह किया जाएगा। आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हुकाम के साथ मुलाकात के बाद पाकिस्तान आ रहे हैं। यहाँ पर याद दिया करते चले कि पाकिस्तान में फ्यूचर टूर प्रोग्राम को मद्देनजर रखते ही कुछ फैसले किए जाएंगे और उन्हीं फैसलों की रोशनी में आगे वर्ल्ड कप वगैरह को तरतीब दिया जाएगा, आईसीसी के टूर्नामेंट्स को तरतीब दिया जाएगा। मतलब ये कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की जहां पर वापसी हो रही है क्या वहीं पर बड़े बड़े टूर्नामेंट इनका पजीर होंगे। यह बहुत बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान के चाहने वालों के लिए और पाकिस्तानी फैंस के लिए कि अब पाकिस्तान में वर्ल्ड कप भी होगा, अब पाकिस्तान में एशिया कप, चूंकि आपको पता है काफी ज्यादा खबरें सामने आ रही है कि एशिया कप बांग्लादेश में होगा पाकिस्तान में नहीं होगा, तो इस हवाले से भी कुछ बहुत बड़ी जबरदस्त किस्म की पेशरफ आ सकती है। बाकी जुड़े रहे, मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय भी आप लोगों ने जरूर दे दी है। मैं छोटी सी बस वीडियो बना रहा हूँ, मैंने कहा चलो आप लोग को अपडेट देता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारे ख्याल रखिएगा। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान भी जिंदाबाद, अल्लाह हम सब का हामी हो, नासिर है।